सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज, जैसे कि तुम लोग को पता ही है, पोकेमॉन के गेम्स पोकेमॉन ब्रिलियंट डायमंड और पोकेमॉन शाइनिंग पर्ल, जो कि पोकेमॉन के जनरेशन 4 गेम्स यानी कि पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल के रीमेक्स हैं, और वो हमको जल्दी देखने मिलेंगे। तो इस चीज़ के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इसमें कुछ नए पोकेमॉन्स को मेगा एवोल्यूशन मिले। तो आज की वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 10 ऐसे पोकेमॉन्स को जिनको मेगा एवोल्यूशन मिल सकता है पोकेमॉन के इन गेम्स में। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरे एंड तक जरूर देखना। और हाँ, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। अब नेक्स्ट तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर आता है लग्जरे पोकेमॉन। ये पोकेमॉन एक इलेक्ट्रिक टाइप का पोकेमॉन है, और इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा कूल है। तो यार, जेन 4 यानी कि सिनो में काफ़ी सारे लोगों का फेवरेट पोकेमॉन होगा ये लग्जरे, और शायद से तुम लोग गेम्स में भी इसको पकड़ते होगे, क्योंकि यार ये काफ़ी सही पोकेमॉन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मस्त पोकेमॉन है। और यार, तुम लोग लग्जरे का डिज़ाइन देख सकते हो, इस पोकेमॉन का डिज़ाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कूल है। इस पोकेमॉन का डिज़ाइन यार जेन 4 यानी कि सिनो के सारे पोकेमॉन्स में से वन ऑफ द बेस्ट था यार, बहुत ज़्यादा गजब है इसका डिज़ाइन, और हर किसी को ही बहुत ज़्यादा पसंद है ये पोकेमॉन। और डिज़ाइन को साइड में रख के इसकी पावर देखें तो इसकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। और अभी इस पोकेमॉन के जो स्टैट्स हैं वो है 523 टोटल, और अगर इसको मेगा एवोल्यूशन मिलता है तो इसके स्टैट्स 623 हो जाएंगे, यानी कि और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये पोकेमॉन। और इसका मेगा एवोल्यूशन वाला डिज़ाइन कैसा हो सकता है, उसके लिए मैं तुमको कुछ फैन आर्ट दिखा रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो। मतलब यार, फैंस इतना अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं इसके मेगा एवोल्यूशन के लिए, तो सोचो ऑफिशियल पोकेमॉन कंपनी कैसा डिज़ाइन बनाएगी। और टाइपिंग की बात करूँ तो इस पर इलेक्ट्रिक और डार्क टाइप तुम लोग देख सकते हो, काफ़ी सूट कर रही है इस वाले फैन आर्ट में। नंबर 2 पर आता है इलेक्टिवायर पोकेमॉन। ये पोकेमॉन भी एक इलेक्ट्रिक टाइप का पोकेमॉन है, और ये भी काफ़ी मस्त है, इसका डिज़ाइन भी काफ़ी मस्त है। इलेक्टिवायर पोकेमॉन भी सिनो में मेरा वन ऑफ द फेवरेट पोकेमॉन है, और इसका डिज़ाइन मेरे को यार बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सिनो में जब इलेक्टिवायर को इंट्रोड्यूस कराया गया था इलेक्टाबस के एवोल्यूशन के तौर पर, तभी से लोग इसके काफ़ी बड़े फैन बन गए थे। और इलेक्टिवायर की पॉपुलैरिटी का थोड़ा सा क्रेडिट तो जाता है पॉल को भी, क्योंकि पॉल के पास भी तुमको पता है एनिमे में था, और तब से ये और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। और यार, इलेक्टिवायर का भी तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पर एक फैन आर्ट है इसके मेगा एवोल्यूशन का, और सब फैन आर्ट्स में से मेरे को ये वाला जो डिज़ाइन है ये बहुत ही ज़्यादा मस्त लगता है। और मेगा एवोल्यूशन में मैं इसकी टाइपिंग जो है वो इलेक्ट्रिक और फाइटिंग देखना चाहूँगा, वो काफ़ी सूट करेगी इस पर। और इलेक्टिवायर के स्टैट्स में भी काफ़ी अच्छा बदलाव आएगा, जो कि 540 से 640 हो जाएंगे। नंबर 3, वाटर टाइप पोकेमॉन फ्लोटजेल। फ्लोटजेल भी एक काफ़ी अच्छा पोकेमॉन है। फ्लोटजेल के बारे में सबको पता ही होगा, ये पोकेमॉन बुइजेल का एवोल्यूशन है। इस पोकेमॉन का डिज़ाइन और पावर दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। पर्सनली फ्लोटजेल और इसका प्री एवोल्यूशन यानी कि बुइजेल, ये दोनों ही मेरे को काफ़ी पसंद है, इसलिए मैंने जब भी पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल खेला है मैंने हमेशा बुइजेल को पकड़ के उसको इवॉल्व किया है फ्लोटजेल में। और भी ज़्यादातर लोग जो है वो बुइजेल को ही पकड़ते होंगे एक अच्छे वाटर टाइप पोकेमॉन के लिए, और उसको इवॉल्व करते होंगे फ्लोटजेल में। फ्लोटजेल के भी तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो यार, फैन आर्ट देख सकते हो यहाँ पर तुम लोग मेगा एवोल्यूशन वाले। फ्लोटजेल को मेरे अकॉर्डिंग या तो सिर्फ वाटर टाइप ही रहना चाहिए मेगा एवोल्यूशन में भी, या फिर वाटर प्लस आइस टाइप रहना चाहिए, या फिर वाटर प्लस डार्क टाइप, ये टाइपिंग्स इस पर सबसे ज़्यादा सूट करेगी। बात करें इसके स्टैट्स की तो वो है 495, यानी कि इसके स्टैट्स हो जाएंगे 595। नंबर 4, स्टेराप्टर पोकेमॉन। ये पोकेमॉन एक फ्लाइंग और नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है, और स्टेराप्टर जो है वो सिनो रीजन का रीजनल बर्ड पोकेमॉन है। जैसे कि हर रीजन में एक ना एक रीजनल बर्ड पोकेमॉन होता है, वैसे ही सिनो का जो रीजनल बर्ड पोकेमॉन है वो है स्टेराप्टर। और यार, पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल गेम में फ्लाइंग टाइप के लिए शायद ही कोई ऐसा होगा जो कि स्टारली को ना पकड़ता हो और उसको इवॉल्व ना करता हो स्टेराप्टर में। तो यार, स्टेराप्टर पोकेमॉन जो है वो भी डिजर्व करता है एक मेगा एवोल्यूशन, और अगर उसको मेगा एवोल्यूशन मिलेगा तुम देख सकते हो कुछ ऐसा हो सकता है वो। और टाइपिंग मेरे ख्याल से इसकी होनी चाहिए फ्लाइंग और फाइटिंग। नंबर 5, वीवाइल पोकेमॉन। ये पोकेमॉन एक आइस और डार्क टाइप का पोकेमॉन है, और यार ये भी काफ़ी मस्त पोकेमॉन है। वीवाइल का डिज़ाइन भी काफ़ी खतरनाक टाइप का है, और मैं चाहता हूँ इस पोकेमॉन को भी एक मेगा एवोल्यूशन मिलना चाहिए। सिनो में तुम सब लोग को पता ही होगा काफ़ी सारे पुराने पोकेमॉन्स को एवोल्यूशन मिला था, तो ऐसे ही स्नीजल को भी वीवाइल एवोल्यूशन मिला था। लेकिन यार, बाकी सारे पोकेमॉन्स के एवोल्यूशन के मुकाबले वीवाइल जो है वो उतना ज़्यादा पॉपुलर और फैन फेवरेटेड नहीं हो पाया था देखा जाए तो इसीलिए यार मैं चाहता हूँ इस पोकेमॉन को भी मेगा एवोल्यूशन मिलना चाहिए। और तुम लोग यहाँ पर डिज़ाइन देख सकते हो, फैन आर्ट्स देख सकते हो कुछ उसके मेगा एवोल्यूशन के। और बात करी जाए टाइपिंग की, तो टाइपिंग में मुझे नहीं लगता कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, इसकी टाइपिंग ऑलरेडी एकदम परफेक्ट है। नंबर 6 पर आता है मैगमॉर्टर पोकेमॉन। ये पोकेमॉन एक फायर टाइप का पोकेमॉन है, और ये भी उन्हीं पोकेमॉन्स में से है जिनको सिनो में जाके एक एवोल्यूशन मिला था, यानी कि मैगमार को मिला था एवोल्यूशन मैगमॉर्टर।
देखो यार, तुम लोग को पता ही होगा मैगमॉर्टर पोकेमॉन और इलेक्टिवायर पोकेमॉन एक दूसरे के काउंटर पार्ट पोकेमॉन है, और यहाँ तक कि इनके इवॉल्व होने का तरीका भी सेम है, यानी कि लास्ट में एक आइटम होल्ड करवा के ट्रेड करना पड़ता है और आइटम्स के नाम भी एकदम सेम ही है। तो हाँ यार, मैं बोल रहा था कि ये दोनों काउंटर पार्ट पोकेमॉन है, तो अगर इलेक्टिवायर को मिलता है एक मेगा एवोल्यूशन तो डेफिनेटली इसके चांसेस है कि मैगमॉर्टर को भी मिलेगा मेगा एवोल्यूशन। और यार यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो उसका मेगा एवोल्यूशन का डिजाइन कैसा हो सकता है, कुछ फैन आर्ट दिखा रहा हूँ मैं तुमको। मेरे को यार ये फायर और स्टील वाला जो है सबसे बेस्ट लगा, ये वाला कॉम्बिनेशन। ये टाइपिंग भी काफ़ी अच्छी है और ये आर्ट भी काफ़ी अच्छा है। नंबर 7, डस्कनॉयर पोकेमॉन। ये पोकेमॉन एक घोस्ट टाइप का पोकेमॉन है और ये डस्कलॉप्स का एवोल्यूशन है। सारे प्योर घोस्ट टाइप पोकेमॉन्स में से डस्कनॉयर पोकेमॉन मेरा फेवरेट घोस्ट टाइप पोकेमॉन है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ यार डस्कनॉयर पोकेमॉन को भी मिलना चाहिए एक मेगा एवोल्यूशन। और यार जब मैंने इसका एक फैन आर्ट देखा इसके मेगा एवोल्यूशन का, तो यार वो सही में इतना ज़्यादा गजब था, मैं तुमको दिखाता हूँ। तुम लोग देख सकते हो और कितना सारा गजब डिज़ाइन है, और मैं चाहता हूँ अगर डस्कनॉयर का मेगा एवोल्यूशन आता है तो वो सेम इसी के जैसा होना चाहिए। डस्कनॉयर के स्टैट्स देखें तो वो हैं अभी 525, यानी कि मेगा एवोल्व होने के बाद इसके जो स्टैट्स है वो हो जाएंगे 625। नंबर 8 पर आती है फ्रॉस्टलेस पोकेमॉन। ये पोकेमॉन एक आइस और घोस्ट टाइप की पोकेमॉन है, और यार ये भी काफ़ी अच्छी पोकेमॉन है। फ्रॉस्टलेस पोकेमॉन जो है वो इवॉल्व होती है स्नोरंट में से, और स्नोरंट तुमको पता होगा एक ब्रांच डेवोल्यूशन पोकेमॉन है, यानी कि उसको इवॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास दो चॉइसेस होती हैं। मतलब तुम लोग अपने स्नोरंट को इवॉल्व कर सकते हो या तो ग्लेली में या फिर फ्रॉस्टलेस में। वैसे मुझे फ्रॉस्टलेस पोकेमॉन कुछ खास पसंद नहीं है और इसका डिज़ाइन भी कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन मैं ग्लेली ले नहीं सकता क्योंकि वो जेन 3 यानी कि होएन का पोकेमॉन है, और यहाँ पर हम लोग सिर्फ सिनो के पोकेमॉन्स की बात कर रहे हैं। वैसे यार इसके जो मेगा एवोल्यूशन के फैन आर्ट्स है वो काफ़ी अच्छे हैं, और उसमें मुझे इसकी डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी लग रही है, तुम लोग खुद देख सकते हो। नंबर 9 पर आता है द गॉड ऑफ ऑल पोकेमॉन आर्सियस। तो यार आर्सियस एक ऐसा मिथिकल पोकेमॉन है जिसको सब लोग चाहते हैं कि इसको एक मेगा एवोल्यूशन मिलना चाहिए, हालांकि सारे पोकेमॉन्स में से सबसे कम चांसेस इसी पोकेमॉन के आर्सियस के, क्योंकि इसके काफ़ी कम चांसेस है कि इसको एक मेगा एवोल्यूशन मिलेगा, लेकिन यार फिर भी सारे फैंस चाहते हैं कि इसको एक मेगा एवोल्यूशन मिलना चाहिए। और यार यहाँ पर तुम लोग इसका एक मेगा एवोल्यूशन वाला आर्ट देख सकते हो, ये वाला आर्ट काफ़ी पॉपुलर है, तुमने इसको पहले भी देखा होगा, और यार ये डिज़ाइन सही में काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। तो यार मैं तो यही चाहता हूँ कि सिनो के तीनों गेम्स जो आ रहे हैं उनमें से किसी ना किसी में हमको आरसीएस का या तो एक मेगा एवोल्यूशन या फिर एक नया फॉर्म, कुछ नया स्पेशल टाइप का फॉर्म देखने मिले। नंबर 10, हिपाउडन पोकेमॉन। तो यार ये एक ग्राउंड टाइप का पोकेमॉन है, और तुम लोग इसके लुक्स देख सकते हो, उसका डिज़ाइन जो है वो कितना खतरनाक है, दिखने से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है। तो यार तुम लोग सोच सकते हो अगर इसको एक मेगा एवोल्यूशन मिल गया तो ये कितना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और यार यहाँ पर तुम लोग इसका एक फ़ैन आर्ट देख सकते हो, ये वाला फ़ैन आर्ट मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आया, और इसकी टाइपिंग भी एकदम मस्त रहेगी, फायर और ग्राउंड टाइप। और हाँ यार, इन सारे पोकेमॉन्स के अलावा मैं ये भी चाहता हूँ कि स्टार्टर पोकेमॉन्स को भी मेगा एवोल्यूशन मिले, लेकिन उनके भी चांसेस काफ़ी कम ही हैं, इसी वजह से मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया। तो फिर यही थी हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, आज का लाइक है मैं 3K लाइक्स का तो कंप्लीट कर देना, और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना ताकि तुमको ऐसे ही पोकेमॉन का वैसे कंटेंट देखने मिलता रहे। और ये रहे हमारे पिछले वीडियो के पोके क्विज विनर्स, और ये है आज की क्विज, जिसको भी आंसर पता है जल्दी से कमेंट्स में बता दो। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।